हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज 10th क्लास का चैप्टर 2.3 का 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यहाँ px दिया हुआ है और qx rx दिया हुआ है, gx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हल हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। भाजक मेरा दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2 बराबर, भाजक निकालने के लिए बोला गया है बराबर भागफल -2x + 4 प्लस शेषफल। गड़बड़ हो गया, x-2 है भागफल और शेषफल है 2x + 4। अब हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2 बराबर जी एक्स इंटू x-2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x + 4। अब x³ - 3x² + x + 2, ये -2 है x है तो इधर आके +2x हो जाएगा, +4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा, = जी एक्स इंटू x-2। अब जी एक्स इंटू x-2 को इधर लेते आएंगे, जी एक्स इंटू x-2 को इधर लिखती है बराबर x³ - 3x² + x है और यहाँ +2x है, हो जाएगा +3x, यहाँ -4 है, यहाँ +2 है, तो हो जाएगा -2। x - 2 बराबर x³ - 3x² + 3x - 2। अब यहाँ मेरा gx × x-2 है, इधर आके x-2 यहाँ इंटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, गुना में तो आके भाग हो जाएगा। अब देखते हैं x³ - 3x² + 3x - 2 को भाग देना है x-2 से, x से x³ को भाग देना है, x³/x हो जाएगा x × x × x/x, एक एक्स कट गया, एक एक्स कट गया, तो यहाँ 2x बचा, मतलब x को 2 बार गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, तो x² हो जाएगा यहाँ
एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस टू से गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये कट रहा है पूरी तरह से, यहाँ मेरा बच गया बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ मेरा एक्स है तो माइनस एक्स से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस टू से गुना करेंगे तो प्लस टू एक्स हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया, ये कट रहा पूरी तरह से, यहाँ बड़ा का चिन्ह मेरा प्लस है इसलिए एक्स बचेगा, थ्री में टू जाएगा तो वन बचेगा, तो वन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू, यहाँ भी एक्स माइनस टू है और यहाँ भी एक्स माइनस टू है, यानी कि वन से हम गुना करेंगे प्लस वन, वन और एक्स को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और वन को फिर माइनस टू से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ये शून्य हो गया। अतः हम लिखेंगे अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आंसर।